हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिम्पल रानी में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे बिहार में आजकल क्या चल रहा है कि 4 बच्चे की माँ तो 2 बच्चे की माँ तो ऐसे भाग के शादी हो जा रहा है। ये गलत बात है कि हमारे समाज को गलत चीज़ दर्शाया जा रहा है। पर कंचन मैडम बहुत अच्छी हैं कि हर लड़की का घर बसाने के प्रयास करती हैं। आइए, आज हम इस केस को देखते हैं। अल्ट्रासाउंड हुआ तब जाके तीसरा नंबर वाला फोटो हमको मिला, फुल फोटो। अच्छा ये बताइए, शादी कब किए? 13 दिसंबर 2021 को जी। कितना दिन पत्नी साथ रही है आपकी? 20 तारीख को वहाँ से निकली है, मेरे घर से बिदागरी की है। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग वैष्णो देवी साथ में गए, वैष्णो देवी वहीं से लड़ाई चालू हुआ। फिर वहाँ आई करीबन 4 महीने बाद उसको फिर विदा करके लाए। फिर कुछ दिन रही, फिर बोले एग्जाम का कोई बहाना, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं जाओ। इस बार जाने के टाइम हम नहीं जाने थे, मम ससुर बोला हम रिस्क लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अभी सबूत भी है कि मेहमान में हमको खाली भेजना है वहाँ पे एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देकर फिर आ जाएगी। हम लोग ठीक है मामा जी कोई बात नहीं, तो क्या कीजिए हम लोग कोई बात नहीं, हम दुकान आ ही रहे हैं तो जैसे भी छोड़ देते हैं, पापा कायल परेशान होंगे। जैसे भी आकर ससुर जी को फिर हैंड ओवर किए, वहाँ पे साथ में रहेगा, नाश्ता तो खाना पीना जो भी हुआ आराम से। आने के टाइम रील बनाई, इंस्टाग्राम में डाली, कोई दिक्कत नहीं था, हम बढ़िया सा है। लेकिन यहाँ जाने शादी के कितना साल तक आप साथ रहे हैं पति के? सर शादी का 2 साल, इस बार 13 तारीख का, मुश्किल से टोटल मिला के हम लोग 20 दिन भी नहीं रहे होंगे। मतलब छोड़ छोड़ के, एक दिन आते थे ससुराल में, भाग जाते थे, आते थे भाग जाते थे। और यहाँ पे एक औरत है बगल में, दुकान खोली है, वो बुलाती थी और उसके बाद पे ये भाग जाते थे। कहीं अफेयर वगैरह है क्या? मैडम सुनिए भैया, किसी का अफेयर नहीं है, किसी के साथ ऐसा भी मत कीजिए। यहाँ अगल बगल सब है, पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक है तो ये आपकी वाइफ नहीं है जो सिखा रहे हैं आप? वाइफ है उसके, मतलब जो सब बोलेगी क्या गजब वाइफ है, मतलब सुन, होश में बोल, समझे, होश में बोल, जो पूछ रहे हैं ना। एक मिनट सुनिए, इज्जत से सवाल कर रहे हैं ना, तो इज्जत से जवाब दीजिए। वो प्रूफ है, वो औरत का प्रूफ है कि उसके साथ आपका रिलेशन है, समझे। तो आप लोग बताइए कि कंचन मैडम का सपोर्ट और महिलाओं के लिए कितनी अच्छी है, और कितना अच्छा है कि आज इस चीज़ को रोकने के लिए खुद कंचन मैडम अपने आगे आकर समाज में ये रख रही हैं। और आप लोग को समाज में ऐसा चीज़ नहीं फैलाना चाहिए, कि आप लोग को भी अच्छा सुनाना चाहिए। देखिए, एक परिवार टूट जाता है और बच्चे भी अनाथ हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम अपना काम देखेगा, हम तुम्हारे डेट का इंतजार करेंगे। तुम इतना बड़का हो गया है, हम बोले थे ना 17 तारीख को ऑफिस आना है। अरे कहने होने कहने से हम नहीं आएंगे, ठीक है? अगर वो लड़की लड़की भटक रही है तो हम लोग जाएंगे भाई, जो बात है क्लियर। भटकाया जा रहा है? नहीं भटकाया जा रहा है, तुम्हारा भी तो फैमिली भटका रहा है, तुम्हारा बगल वाला भी तो भटका रहा है। क्यों तुम भटक गया किसी और औरत के चक्कर में, बीवी को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा है तुम्हें, ऐसे करेगी कि टांगा कटे नहीं, चला आओ सो सुन लीजिएगा। प्रूफ प्रूफ है मेरे पास, इसका प्रूफ है, ऑफिस में प्रूफ आया है। सुनो ना बाबू, सुनो ना, उसका आवाज नहीं कर रहा था, दर्द हो रहा है, उसका आवाज नहीं कर रहा था, दर्द हो रहा है कि बगल में हुआ तो इसका इज्जत चल जाएगा। सच्चाई सामने ला। हम इनका फ्रेंड है, फ्रेंड है, फ्रेंड है, तो पत्नी बिगड़ रही है तो क्या दिक्कत है? एक मिनट, पति पत्नी के बीच आने वाले ही कौन है? एक एक मिनट जवाब पूछो इनसे, कौन है तू? मेरे पति पत्नी के बीच कौन दोस्त है? आप जरूरी है कि जरूरत नहीं है, आप जरूरी है, तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है मेरे जिंदगी में। सुनो बैठो, ठीक है ठीक है, हमको जरूरत नहीं है। क्यों शादी किए थे? नहीं जरूरत, हम नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, सब बड़ा बस हो चिल्ला रहे, नहीं जानते थे, बच्चे काहे पैदा किए, बच्चे काहे पैदा किए। बैठो बैठो, सुनो ना, नमस्कार दे मैं सबको बता दे, सुनो ना, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, नमस्कार दे मैं सबको, का आपके ऊपर सारा टिकरा फोड़ेगा, आज हम सबके सामने बोलते रहे। और आपको हो चुका है बहुत ज्यादा, और अभी बजका बनाने वाली है बहन, घर दर कटेगा कटा लेंगे, लेकिन सारा टिकरा आपके ऊपर फोड़ेंगे, आप पहचाने नहीं आदमी को। तो देखिए, आप तो वीडियो में ऐसे ही बने हुए हैं, और आप लोग देखिए कि मीडिया वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और कंचन मैडम का तो क्या ही कहना है, क्योंकि महिलाओं को घर बसाने का काम कर रही हैं। तो आप लोग भी ऐसा सचेत रहें कि आप लोग ऐसा नहीं करें।
और आप लोग को अच्छे से रहना चाहिए, अपने परिवार पारिवारिक तौर पर ढल जाना। तुम बेबी हो तो फिर हम तो जरूरी है। हाँ, मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। औकात नहीं आप लोग को, अरे भैया आप लोग गरमा गर्मी किए ना, ये गरमा गर्मी सुनिए, आप लोग शांति से बात कीजिए ना सर, गरमा गर्मी अपने क्या सोच रहे हैं। अरे भाई किसी का इज्जत नहीं है क्या, हम नहीं समझ जा रहे हैं, हमको मत सुनाइए, समझे। हाँ आपकी पत्नी है ना, पहले ही बताइए, आपकी जायज पत्नी है ना, लव मैरिज नहीं किए हैं। जब से इसका शादी हुआ है ये कितना दिन यहाँ रही है? 6 महीना यहाँ रही है, नहीं रही है। कहाँ रही है? मैके रही है। आपने इनको यहाँ रखा है एक दिन भी? यहाँ क्यों नहीं रखा? घर में मेरा घर था, यहाँ पे रहने का साधन नहीं था। आप जहाँ रहिएगा वहीं पे रहेगी, पति जहाँ रहेगा हो सकता है ना? हम पहले उसका आश्रम देखेंगे तब ना रखेंगे। अच्छा, शादी करने वक्त आश्रम नहीं देखते हैं आप? अपने घर में अपना सुनिए, हम एक सिंगल है, ठीक है? उसके बाद हम आई मेरा घर, हम तो एक दो महीना रहे, दो महीना रहते बाद उसके बाद एक महीने के बाद तो लड़ाई शुरू हुआ है। एक को मैंने कहा 20 तारीख जो वहाँ गई है उसके बाद तो वहाँ से जो लड़ाई हुआ, 13 तारीख शादी हुआ, शादी जो हुआ है, ठीक है, उसके बाद से लड़ाई जो चालू हुआ है, फिर वहाँ के पैसे फिर भी मान में पैसे भेजने के वहाँ से लड़ाई चालू हुआ, अभी तक खत्म नहीं हुआ, लड़ाई खत्म नहीं हुआ। अच्छा, इसका कहना है कि जब वहाँ हमको छोड़ते हैं तो मेरे रूम में ससुर घुस जाते हैं 10:30 रात में और बहुत गंदी गंदी लाइन में यूज करते हैं। मैडम एक तरफा उसके बाद हमारा यहाँ दुकान है मैडम, इज्जत से जीते हैं, ऐसा नहीं कि आके तुरंत हो हल्ला करने का कोई जरूरत नहीं, शांति से पूछा जाए ना, हर चीज का जवाब देंगे। निश्चित है सबसे बड़ा गलती मेरा ससुर जी सासू माँ का है, सब चीज का प्रूफ के साथ देंगे, ठीक है? आप शांति से ही सारा सवाल का जवाब देते थे, ठीक?